अस्सलामुअलैकुम, वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सर। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट का जो पॉजिटिव मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा। अनाउंसमेंट आई और पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में चले क्या कुछ कंसर्न। अस्सलाम वालेकुम, वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। कंटिन्यूसली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जो नीचे की तरफ जा रही है और मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो श्रिंक होते जा रहे हैं। जिस तरह मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं जिस तरह ख़राब हो रहे हैं, उसके साथ साथ पॉलिटिकल एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं। उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो साइडलाइन नज़र आ रहे हैं। इस वीक भी मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट जो है वो डाउन हुई है पूरे वीक में, और KC 100 इंडेक्स तकरीबन 40,000 के लेवल के आसपास जो है वो बंद हुआ है। ओवरऑल वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली बेसिस पे जो है वो म्यूटेड होते जा रहे हैं, और बहुत जो ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टर जो है मार्केट से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। जो इस वीक मेजर डेवलपमेंट हुई उसमें सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट एक ये थी कि जिस तरह रुपी जो है हमारा डी वैल्यू हुआ है, कंटिन्यूसली अपनी जो है वैल्यू लॉस करता जा रहा है। तकरीबन 17-18 रुपये के करीब जो है इस वीक जो है वो हमने देखा कि डॉलर जो स्ट्रॉन्ग हुआ, रुपी हमारा जो है वीक हुआ है। इसका मेजर रीज़न पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी भी है, इसके साथ साथ IMF के प्रोग्राम से रिलेटेड अभी भी जो है वो चीज़ें जो हैं अनक्लियर है। कुछ IMF की अपनी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ अभी भी जो है तकरीबन अगर इस नॉर्मल तरीके से चलते हैं तो एक महीना लग जाएगा हमें पैसे आने में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर जो प्रेशर डाल रही है, और इस वीक हमने देखा कि तकरीबन $300 मिलियन से ज़्यादा जो है वो सेंट्रल बैंक के रिजर्व जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ रिजल्ट सीज़न जिस तरह नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू हो रहा है, और रिजल्ट सीज़न स्टार्ट तकरीबन हो ही गया है, कुछ कंपनीज़ के एक दो के रिजल्ट्स भी आए। और जिस तरह हम सबको पता है कि बजट के अंदर सुपर टैक्स इम्पोज किया गया है, ख़ासतौर पर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो काफ़ी हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेंगी सेकेंड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर के अंदर जिनके फिस्कल ईयर कैलेंडर ईयर के रिजल्ट हैं। तो वो सब चीज़ें भी जो हैं आगे जाके कुछ का इम्पैक्ट आएगा, और कुछ बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक हम इम्पैक्ट ले चुके हैं। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बेसिस पे इंक्रीज होती जा रही है, और एक्सपेक्टेशन है कि जो इस मंथ की इन्फ्लेशन है वो भी लास्ट मंथ से जो है वो ज़्यादा ही रहेगी। इस वक्त अभी भी गैस प्राइसेस से रिलेटेड जो है डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इसकी अप्रूवल होना बाकी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ाने से रिलेटेड बातें हो रही हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लेशन को फर्दर जो है वो फ्यूल अप करेगी, और इसका इम्पैक्ट जो है अगर हमारी करेंसी इसी तरह डी वैल्यू होती रही और हमारी इम्पोर्ट नहीं रुके या हमारे रिजर्व जो इसी तरह डिक्लाइन होते रहे, तो आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में शायद पॉसिबली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो है वो पॉलिसी रेट फर्दर जो है यहाँ से इंक्रीज करना पड़े। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मार्केट को जो है वो काफ़ी जो है वो अनसर्टिनिटी की तरफ लेकर आ गई हैं। अभी इस वक्त देखना होगा कि जो पंजाब की जो CM का इलेक्शन होना है वो किस तरह होता है और कौन उसको जीतता है। इसके बाद मेरे ख्याल से मंडे वाले दिन से जो है एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ जो है काम करना पड़ेगा और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ अभी भी IMF से रिलेटेड जो है वो कुछ क्लियर चीज़ें आई नहीं है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है उनको स्टेबल होना भी जो है बहुत ज़रूरी, ख़ासतौर पर रुपी जिस तरह डीवैल्यू हो रहा है, रुपी की वैल्यू जिस तरह गिर रही है उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इस वीक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हुआ, और उसमें WTL हमने देखा टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर उसके अंदर काम देखा गया। इसके अलावा कुछ छोटे स्क्रिप्ट TPLP के अंदर हमने देखा, यूनिटी फूड्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो काम देखा है। लेकिन ओवरऑल ब्लू चिप आइटम जो हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो मार्केट के ट्रेंड को जो है नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हैं। हमने देखा कि लकी सीमेंट, HBL, ख़ासतौर पर बैंकिंग सेक्टर, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इंडेक्स के अंदर जो है नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया ड्यूरिंग द वीक। नेक्स्ट वीक जिस तरह मैंने बताया कि अभी भी चीज़ें अनक्लियर हैं, और इसके साथ साथ जो एक पंजाब असम्बली का जो CM का जो इलेक्शन हो रहा है पंजाब असम्बली के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसके बाद मेरे ख्याल से जो है वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, और अभी भी पॉलिटिकल साइड पर कुछ चीज़ें अभी भी जो है वो अनसर्टेन है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट को इसी तरह जो है वो जो है वॉलेटाइल रखेंगी। तो मेरे ख्याल से मार्केट में इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हुए काम करना चाहिए, और जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे जो है वो पोजीशन लेके जो है वो काम करना चाहिए। शुक्रिया।